नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में आज बात बिहार की। बिहार में आग, 2024 की भागम भाग, इसी पर आज हल्ला बोल करेंगे। रामनवमी पर बिहार के नालंदा और रोहतास में जमकर हिंसा हुई, आगजनी और पथराव भी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार वहां नहीं पहुंचे, जबकि बिहार की राजधानी पटना से बिहार शरीफ सिर्फ और सिर्फ 75 किलोमीटर है। 75 किलोमीटर दूर है और जाने में 1.5 घंटे का वक्त लगता है। हाँ, नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में जरूर शामिल हुए। इफ्तार पार्टी में नीतीश जहां बैठे वहां पीछे लाल किले की तस्वीर लगाई गई थी और 2024 को लेकर संदेश देने की कोशिश की गई। तस्वीरें सामने आई तो सवाल उठना लाजमी था, बीजेपी ने जमकर निशाना साधा, सवाल दागे। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने अपना राग अलापा बिहार के मुसलमानों को असुरक्षित बताया। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं कि हिंसा के 5 दिनों में नीतीश कुमार कहां रहे। पहले दिन वो विधानसभा की कार्यवाही में मौजूद थे, दूसरे दिन उन्होंने बीपीएसपी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आज वो घर पर ही मौजूद है। आपने देखा बीती शाम वो इफ्तार पार्टी में गए। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बिहार शरीफ और सासाराम में पिछले 5 दिनों में क्या हुआ है, कैसे हिंसा आगजनी हुई, फिर सासाराम में गृहमंत्री अमित शाह का दौरा रद्द हो गया। आज हम इसी पर जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। पीछे लाल किले की तस्वीर है और सामने सुलगते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी है। पटना के फुलवारी शरीफ में बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावते इफ्तार में शरीक हुए। इस तस्वीर से निकला बवंडर बिहार की राजनीति से लेकर 2024 तक की जंग में मयान से सबकी तलवारें बाहर निकलवा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में हिंसा और बवाल है, कहां गायब नीतीश कुमार का सुशासन है? क्या इस संकट के बीच भी नीतीश की नजर 2024 में दिल्ली पर है? फैशन हो गया है कि चेहरे पे तो कमनल क्राइम का कलंक और गले में सेकुलर सूरमा का सर्टिफिकेट, ये जो है वो दिखा करके दिखाना की कोशिश करते हैं कि साहब हमसे ज्यादा कोई सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा है नहीं। और नीतीश कुमार आज तो बहुत खराब लग रहे हैं, कल तक जो उनके साथ जो है, अगर आप पुराना टेप चलाइएगा तो फिर उनको जवाब मिल जाएगा। नीतीश कुमार जी जहां बैठे, लाल किला के नीचे बैठे, तो ये तो मैसेज साफ साफ देना है समाज के लोगों को कि नीतीश कुमार जी जिस विचारधारा के साथ चल रहे हैं उसी विचारधारा की उपज और पनप लाल किला है। जिस तरह रोम जल रहा था और नीरो जो है बांसुरी बजा रहे थे, ये स्थिति पूरी तरह यहाँ चरितार्थ है। अब नीतीश बाबू से कुछ संभल नहीं रहा और ये लोग जब तुष्टिकरण में आए इसलिए पूरा मामला कलैप्स किया। बिहार में रामनवमी के दिन शुरू हुई हिंसा ऐसी फैली कि 3 दिन तक बिहार में सासाराम और नालंदा जिला सुलगता रहा। पत्थरबाजी से लेकर आगजनी और लूटपाट से लोग दहशत में जीते रहे। इस हिंसा की बिसात पर अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए फिर कूद पड़े नेता। आज मोर्चा खोला AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने, जिनको नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी और टोपी दोनों खटकने लगी। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री को हिंसा पर जरा भी अफसोस नहीं। हुकूमत की नाकामी, और आप देखिए कि नीतीश कुमार जो है उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही। उनको कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए, अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। आरएसएस की राजनीति का, उन्माद का जो राजनीति है, उसके बी टीम के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ओवैसी साहब। तो ओवैसी साहब को इमारत शरिया जैसा संगठन, चूंकि उनको बुलाता नहीं है इसलिए कि ये उन्माद के लोग हैं, उनको निमंत्रण मिला नहीं, तो नीतीश कुमार जी तो इमारत शरिया के कार्यक्रम में गए और जो परंपरा है उसके अनुसार दावते इफ्तार में उनको टोपी समर्पित किया। लेकिन आप जो नरेंद्र मोदी का राजनीति का टोपी पहने हुए हैं, तो आपको तो सब पहचान गया है कि नकली टोपी वाला है। तो न इमारत शरिया बुला रहा है, न जनता बुला रही है। बिहार में हुई हिंसा पर भी ओवैसी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को घेरा, कहा ये लोग मुसलमानों में डर पैदा करना चाहते हैं। किसी राज्य में हिंसा होती है तो जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।
बिहार शरीफ में मदरसा और मुस्लिमों की दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। उनको लगता है कि देश का मुसलमान ही उनको बना सकता है, बिहार का मुसलमान, इसीलिए तो इतना काम किए। डिजिटल ताजमहल, हमको तो ताजमहल दिख रहा है उनका, आप लाल किला कह रहे हैं, तो ये ख्वाब में चल रहे हैं। रमजान में छुट्टी दे रहे हैं, शुक्रवार को छुट्टी दे रहे हैं। केंद्र सरकार के एक मंत्री के पुत्र ने भागलपुर में सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयास किया था और उनको नीतीश कुमार जी के शासनकाल में एनडीए में रहते हुए उनको जेल की हवा खानी पड़ी थी। तो इसलिए ये करते हैं, वो लोग प्रयास करते हैं, लेकिन राज्य सरकार उससे और नीतीश कुमार जी उससे कोई समझौता नहीं करता। बिहार से ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के हिंदुओं के कॉस्ट पर अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने पूरा करना चाहते हैं। शुक्रवार को जिस तरीके से सांप्रदायिक तनाव मचा हुआ था, तो उसी दौरान दंगाई इस मदरसा के परिसर में भी घुस आए, हजारों की संख्या में उनकी मौजूदगी थी, फिर उन्होंने इस मदरसे पर अपना कहर बरपाया। यहाँ की पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, जहाँ पर पुरानी किताबें, धार्मिक किताबें, हिस्ट्री से जुड़ी हुई किताबें, जो तमाम चीजें थी, उसको आग के हवाले कर दिया। बिहार की नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार को ये मालूम था कि नालंदा एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद भी आप सासाराम में भी गड़बड़ हुई। तो ये सरासर बिहार में जो कुछ हुआ, ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने वायलेंस को रोका नहीं। एक पूरी खुली साजिश है कि बीजेपी इस तरह से ये जो राइट हुआ है बिहार में, उसके जरिए से वो अपना कंसोलिडेशन करना चाहते हैं, और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बिहार के हमेशा उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। सवाल लगातार नीतीश कुमार के दरकते सुशासन के दावों पर उठ रहा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नीतीश इफ्तार पार्टी मनाते रहे, लाल किला क्या, व्हाइट हाउस के आगे खड़े हो जाए। नहीं, इफ्तार में जाना कोई गुनाह थोड़ी, मैं भी इफ्तार में जाता हूँ, मैं भी जाऊंगा इफ्तार में, और लाल किला क्यों, इनको तो चाहिए कि व्हाइट हाउस का की तस्वीर लगा दें, उसके सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाएं, लगाएं, ताकि उनके लोग खाली तनोर दावा कर सकें कि भारत के प्रधानमंत्री तो क्या, वो तो इतने सक्षम है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी हो सकते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि शरारती तत्वों के उपद्रव को कुछ लोग कॉमनल करार देते हैं। कॉमनल तो बड़ोदरा में भी हुआ, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया। मध्य प्रदेश में भी हुआ, उस पर सवाल नहीं खड़ा किया। हम पूरी सरकार यहाँ शांति सद्भावना को लेकर के निरंतर प्रयासरत है। अब बिहार के लोग बिहार के बिखरते शासन व्यवस्था के बीच यूपी के योगी मॉडल की मांग करने लगे हैं। हम चाहते हैं आज से हमारे मोदी युग की जो उत्तर प्रदेश में लागू, आज से लागू हो जाए हमारे बिहार में, तो हमारा बिहार दुनिया में नंबर वन पर होगा। जब मंदिर खौफ होता, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उसको डर होता, वो ऐसा काम नहीं करते। बहुत जरूरी था यहाँ पे करना भी, उस टाइप का सरकार इधर भी आना चाहिए था बिहार में भी। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नालंदा में अपराधियों को उल्टा टांग इंसाफ दिलाने की बात की। मैं आपको कहता हूँ 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए, ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब बिहार शरीफ में सद्भावना मार्च निकाला जा रहा है। हालांकि बिहार के पूर्व डीजीपी आर के मिश्रा का कहना है कि सासाराम और नालंदा हिंसा में प्रशासन से चूक हुई, तुरंत ज्यादा से ज्यादा बल की प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए थी। हमें लगता है कि इसमें कहीं न कहीं चूक हुई है। बिहार और बंगाल में रामनवमी पर हिंसा की बिसात है, लेकिन सियासत 2024 के लिए धारदार हो रही है। आज तक ब्यूरो।
और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी आज तक पर जुड़ रहे हैं। गिरिराज जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल आपसे यही है कि आप लोगों को क्या ज्यादा खटक गया, ये कि हिंसा के बीच इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार चले गए, टोपी पहन ली ये खटक गया, या फिर लाल किले के सामने बैठ गए ये खटक गया है? आप इसको तुष्टीकरण कहते हैं, वो कहते हैं हम सद्भावना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मन में राम बगल में छुरी ये कहावत है। कहते हैं मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं। भाई होना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री का पद खाली लें, लेकिन जो बिहार के हालात थे, ये सासाराम में दंगे हो रहे हैं और नालंदा में, जो उनका गृह जिला है, दंगे में लोग जल रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही है, और नीतीश कुमार फोटो खिंचवाने में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इफ्तार में मस्त है। मैं ये कह रहा हूं, किसी के घर में कोई गम्मी हो जाए और वो उत्सव मनाए, ये मैं विषय खड़ा कर रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा कोई हमें उनके वो क्या, वो तो कार्यालय खोल लें जाकर के किसी मस्जिद में, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन दंगे में तो भी हो आते, दर्श एक बार घूम आते, ये नहीं करेंगे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, और आपके माध्यम से नीतीश कुमार की सरकार, अन्य सरकार और मौलवी लोगों के नेता से, देश 75 साल हो गए, बंटवारा हुआ देश का हिंदू और मुसलमान के नाम पे, लेकिन 75 साल तक कभी हिंदुओं ने तजिया पर पत्थर नहीं चलाया, तलवार नहीं चलाया, गोली नहीं चलाया। और हमसे पूछा जाता है आप उस गली होके कैसे गए, और नीतीश कुमार का जिला नालंदा में, और नालंदे में उनको मालूम था कि इस रास्ते से जाएगा, और पत्थलें ऊपर छत पे तैयार थी, ऐसी सूचना, तलवारें चल रहा है, ये कौन सा न्याय? हमने तो कभी नहीं आपके तजिया को, ये आप इसको क्या बना देना चाहते हैं? नीतीश कुमार इसे बंगाल बना देना चाहते हैं, पाकिस्तान हो जाए? आपने हनुमान जयंती पर रोक लगा दी है, क्यों रोक लगाई? आप में हिम्मत था कि रमजान पर रोक लगा दे? ये अब बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, हिंदुस्तान और बिहार शरीफ और बिहार के लोग और सासाराम के लोग, मैं ये कह रहा हूं, हम तो सौहार्द देते, कभी किसी पर पत्थर नहीं चलाया, हम तो सब दिन सम्मान किया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम्। हम तो हम और हमारे पिताजी तजिया में भी जाते थे, हमारे साथ ये क्यों? लेकिन आपने मस्जिद में ऑफिस बना ले, ये तंज तो कसा ना गिरिराज जी? पीएम बनने पर तो किसी के रोक है नहीं, हर कोई कोई कोशिश कर सकता है पीएम बनने की, मस्जिद में वो ऑफिस खोल ले, इससे क्या मतलब है आपका? और ये भी बताइए कि वो तो नहीं गए हैं, नीतीश कुमार तो नहीं गए हैं, आप जाएंगे या नहीं जाएंगे वहां? पहला, मैं जिस दिन दंगा हुआ उसी दिन जाने के लिए वहां रोक लगी थी, और अगर चले गए होते तो शायद ये आरोप गिरिराज पर ही लगता। दूसरा प्रश्न, जो आप कह रही हैं कि पीएम वो बनना चाहते हैं, आप तंज कर रहे हैं, इसमें कोई रो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इनकी दुर्दशा होगी ना, वो राजनीतिक दुर्दशा। हमारे बिहार में एक कहावत है, रम खुदैया, एक नाला था, नाले को पार करने के लिए मुसलमान अल्लाह कह के पार कर गए, एक इन्हीं के तरह था जो कहा कि अल्लाह कहूं या राम कहूं, बीचे में अटक गया। ये बिहार में अमन चैन शांति और बहुसंख्यक हिंदुओं के आस्था पर चोट, ये कितने दिनों तक चलेगा, ये कह के कि फलाना करा रहा है, फलाना करा रहा है, मैं पहचान रहा हूं, वोट लेते हैं नालंदा में, अब सद्भावना जुलूस निकाल रहे हैं और हनुमान जयंती पर रोक लगा रहे हैं, ये देश को, बिहार को बर्दाश्त नहीं।
ये नीतीश कुमार के राज्य में दुर्गा पूजा निकले तो ये रूट से नहीं जाओ वो रूट से जाओ, सरस्वती पूजा निकले ये रूट से नहीं वो रूट से ले जाओ विसर्जन के लिए। आखिर क्या हो गया है? हम पाकिस्तान में हैं जो हमारी बेटी मंडप शादी के मंडप से उठ जाए हम पूजा नहीं कर सकते बांग्लादेश की तरह? ये क्या बनाना चाहते हैं वोट के खातिर? ये इसको कौन सा इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं? गिरिराज रोक लगाना चाहते हैं हनुमान जयंती पर? इसका बदला 24 और 25 में यहाँ के लोग हैं गिरिराज जी। लेकिन आरोप लग रहा है और दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री, इधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सद्भाव बिगाड़ने की यह संघीय साजिश है, उधर ममता बनर्जी कह रही है कि जो शख्स हावड़ा में पकड़ा गया है कट्टा लिए हुए उसको अब मुंगेर से हिरासत में लिया गया है और वो बीजेपी का कार्यकर्ता, ऐसा आरोप वो लगा रही है। दोनों ही मुख्यमंत्री सीधा इशारा कर रहे हैं कि आप लोगों ने हिंसा भड़काई है। देखिए बंगाल में ममता जी भाषण दें कि रमजान है यानी रामनवमी का शोभा यात्रा नहीं निकलेगा, रोहिंग्या के लिए रेड कार्पेट हो, ये कह दें हनुमान जयंती पर कह दें कि हिंदुओं को समझ से काम लेनी चाहिए, यानी बंगाल में और बिहार में हिंदुओं के आस्था के रूप में चाहे रामनवमी हो चाहे हनुमान जयंती हो इसकी इजाजत अब कोर्ट से मिलेगी, और आप मुझे कहते हैं कि आप भाईचारा बिगाड़ रहे हैं। कौन सा भाईचारा? अगर कोई हिंदू बिगाड़ता तो तजिया में जुलूस पर पत्थर लाठी तलवार चलाता ना, कि अपने ही आस्था के शोभा यात्रा पर यानी आप अपने ही धर्म पर आप पत्थर मार रहे हैं, यही कह रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये जो पीएफआई का यहाँ नेटवर्क बन रहा था वो भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए वो भी बीजेपी बना रहा था, और रामनवमी में भी बीजेपी पत्थर फेंक रहा है अपने शोभा यात्रा पर। अगर हम हिंदुओं को बिगना ही होता तो उनके जुलूस पर न बिकता, किसको बुड़बक बना रहे हैं? और कौन सा भाईचारा? ऐसा भाईचारा मुझे नहीं चाहिए जो हम भारत में और बिहार में हमें अपने आस्था के शोभा यात्रा को भी निकालने के लिए गलियों को निश्चित किया जाए, चिन्हित किया जाए और दोष भी दिया जाए, चोरी और सीना जोरी, ये अब बर्दाश्त। सवाल गिरिराज जी, सवाल सीधा शासन का है। ओवैसी साहब ने कुछ देर पहले पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि नीतीश को पहले से पता था, आपको भी ऐसा लग रहा है? ये बोर्ड के सौदागरों का, वो नीतीश कुमार को कैसे नहीं पता होगी? उनको मालूम है कि प्रति साल निकलता है वहां कुछ ना कुछ, इन्हीं लोगों के कारण, इन्हीं लोगों के संरक्षण के कारण मुसलमान आक्रमक हुए। अगर गांव की कहावत है मुरसैया कोतवाल तो डर काहे को, उनको मालूम है कि सरकार है तुष्टिकरण की सरकार, हमें कोई नहीं बोलेगा केवल एक टोपी पहन लो, क्योंकि मुख्यमंत्री भी टोपी पहन करके रमखुदैया बन रहे हैं, इसलिए ये सरकार प्रायोजित ये घटना है। मैं तो ये कहूंगा चाहे बंगाल हो चाहे बिहार हो, ये बंगाल बनाना चाहते बिहार को, ममता बनर्जी इसे पाकिस्तान बांग्लादेश बनाना चाहती। अच्छा एक आखिरी सवाल है आपसे, पाकिस्तान बांग्लादेश कौन बनाना चाह रहा है, नहीं बनाना चाह रहा है, मामला शासन से? आरोप लगता है कि बीजेपी अल्पसंख्यक योगी आदित्यनाथ के मॉडल को लेकिन सख्त कानून व्यवस्था के बहुत, कुछ लोगों से हमारे सहयोगियों ने बात की है, वो लोग योगी मॉडल को यहां, गृहमंत्री साहब भी गए थे उन्होंने कहा था कि उल्टा लटका देंगे इंसाफ ले आए, को पुश करेंगे क्या 24 के लिए बिहार में? आखिरी सवाल। देखिए दो चीज देखिए, योगी ने कोई ऐसा नहीं किया कि हिंदू के तरफ से अगर का ऊपर से हटा लाउड स्पीकर मस्जिदों से भी के ऊपर, उनको बुलडोजर बाबा कहें या जो कहें, योगी मॉडल तो अब हर जगह खोज रहे, वोट मॉडल है नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार को
तुष्टिकरण के कारण ही मैं प्रधानमंत्री के पद, इसीलिए ये तुष्टिकरण करते, इसीलिए ये ऐसी व्यवस्था करते कि बिहार ऐसे दंगे होते। और कर क्या रहे हैं, दुकान लूटे गए उन्हीं को अपराधी बना रहे, ये भी नहीं होनी चाहिए, नहीं चाहिए। और देखेंगे हिंदुओं को ज्यादा अपराध केस में नाम देख कर रहे हैं, और दूसरे वर्ग के संख्या का अनुपात देखें, ये खास जाति करके सद्भावना यात्रा निकाल जयंती के अवसर पर जुलूस को रोक लगा रहे हैं। ये इनके चेहरे में अलग अलग है। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका गिरिराज जी हमारे साथ। आप आपके सियासी हैं, कितना सच है, कितना लोग भरोसा करते हैं, धन्यवाद आपका आज तक पर आने के लिए, हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। गौरव भाटिया जी जुड़ गए, वारिस पठान प्रवक्ता एआईएमआईएम के, केसी त्यागी जी जुड़ गए हैं जनरल सेक्रेटरी, और मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी के। साथ शुरू करना चाहती हूं, उसके बाद मैं गौरव जी फौरन आप जी 75 किलोमीटर दूर है पटना से ये हिंसा हो रही है, क्या आपको नहीं लगता है कि अब इफ्तार पार्टी तो ठीक है सर, लेकिन पीछे लाल किले दिया जा रहा था। त्यागी जी अंजना जी, मुझे जितना समय आपने नीतीश कुमार जी को गाली दिलाने के लिए और एक वर्ग बाकायदा निशाना बनाने के लिए दिया, उतना समय आप मुझे भी देंगी। ये है कि खाली बिहार, मेरे पास लंबी फहरिस्त है, उसी दिन गुजरात के बड़ोदरा में उन पर हिंसा का मैदान बन गया, पत्थरबाजी और सामने आई, कर्नाटक के हासन में एक मस्जिद में समूह भिड़ गए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में के पास जुलूस निकलते समय हिंसा हो गई, और महाराष्ट्र में कम से कम 3 हिस्सों मलाड खबरें आई। तो या तो समूचे देश में जो सामाजिक तनाव बढ़ा है, जो देश दूर कर दे रही हूं, बस संभाजी नगर आपने मिस कर दिया, 4 घंटे कवरेज वडोदरा पर कम से कम कवरेज, और पूरे पूरे दिन हमने वडोदरा पर कवरेज की है, सहयोगियों के नाम भी बता दे गोपी से लेकर कौन कौन वहां रात के अंधेरे था जो सड़क पर गिरी थी वो सब दिखाया। तो आपकी शिकायत में आप अपनी बात पूरी करें। डिबेट, हाँ डिबेट, पूरी 2-2 घंटे की कवरेज की है गोपी के, आपके चैनल का और आपका मैं, लेकिन जिस तरह से लाल किला दिखा करके, जिस तरह से इनका 15 मिनट का भाषण दिखा करके करना चाहते हैं, मैं और मैं ऐसा भी नहीं हूं, हमने काम किया साथ इनके, उससे पहले हमारे नेताओं ने साथ काम किया, हमारे मन में आज भी अटल जी के लिए, नकवी जी के लिए, शाहनवाज जी के लिए, हमारी हम इतनी जल्दी नहीं बदलते। 15 साल तक जो अपने मंत्री महोदय हैं ये और हम चलती रही, तो मुस्लिम तुष्टिकरण जब फैला रहे थे तो ये सत्ता की मलाई क्यों खा रहे थे उस समय हमारे साथ। हाँ, अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल से, ये तो नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री ने इनके वक्ताओं पर रोक लगाई, चैनल पे भी आ चुका है और इनको डांट लगाई है, खबर तेजनाथ में भाषण दिए। तीसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कोई पहला मौका नहीं है एनडीए की, सुशील मोदी राज डिप्टी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, केंद्र सरकार के कहना चाहता हूं अश्विनी चौबे जी के सुपुत्र में नामजद हो गए, ये नीतीश कुमार की
किया जाए, उन्होंने उनको गिरफ्तार किया। हो जाए अंजना जी कि भाजपा के नेताओं का कथन ठीक कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं या जो कह रहे हैं कि वो मुसलमानों को मरवा रहे हैं। एक वक्त ये जो चरित्र हनन इस तरह से कर रहे हैं मुसलमानों के साथ जाति हो रही है, गिरिराज कत्लेआम हो रहा। तो एक तो ये तय कर लिया कि नीतीश कुमार जो है नंबर एक। नंबर दो, चार दिन तारीख को वो रामनवमी के जुलूस में शामिल हुए, इसके क्या अर्थ निकाले जाएं कि वो वहां पे नीतीश कुमार भी है। ये चार दिन पहले मैंने आप ही। नंबर दो, प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि नीतीश कुमार सिखों का समागम किया है कि मेरा मन चाहता है सिंह रख दूं, सरदार नीतीश सिंह बोध गए वाली है। कोई साल नहीं है जब दुनिया भर के जो लोग के साथ आदर न दिया जाता हो। भगवान महावीर इतने प्रोग्राम होते हैं और सब में कहीं ना कहीं हम सोशलिस्ट हैं, ना हिंदुओं को अपीज करते हैं, हम इंसानियत को में से नहीं है। हाँ, गलती किसी की भी होगी, लेकिन एक तरफा हमारे लिए इस तरह का कहना। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे प्रश्न का जवाब कब दे, कभी उन्होंने शिकायत नहीं की। मेरे प्रश्न का जवाब कब देंगे आप? कौन से प्रश्न का बताइए? आपने आपको अपनी बात कहनी थी और थोड़ा सा कैमरे की तरफ मुड़ जाइए, आप टीवी देख रहे हैं। जो प्रश्न मैंने किया था सर, 75 किलोमीटर दूर है, क्या मुख्यमंत्री को वहां पर नहीं जाना चाहिए था? अगर तो फिर जो लचर स्थिति बनी रही जिसकी वजह से तीन मुख्यमंत्री साहब क्यों नहीं गए, ये मेरा प्रश्न था सर। आपके मैं तीनों सवालों का जवाब देता हूं। वो कहीं नहीं गए, वो जाकर के वहां पर और जो शांति के प्रयास नहीं करना चाहते थे, नंबर एक। लेकिन आपके भी कह रहा हूं, मेरा गिरिराज जी से और अपने भाई ताजा अलग हुए मित्रों से कहना है, क्या किसी को प्रधानमंत्री के सपने पालने का अधिकार नहीं है? ये संविधान इसलिए नहीं बनाया था कि कोई भी सपना दे। भी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज्यादा अनुभव चैलेंज, एक नए पैसे की बेईमानी का आरोप, क्राइम का आरोप, केंद्र सरकार में 6 साल मान्य करने का अनुभव। अगर हम कार्यकर्ता कहते हैं के उम्मीदवार जैसे लगते हैं, तो ये तो कोई घर में पैदा होंगे क्या? मैंने तो ऐसा भी दौर देखा है, भाटिया जी ज्यादा नंबर आएगा, अभी 15 मिनट पहले गिरिराज जी बोल के गए, हमें भी आरोप लगे हैं। इसलिए जो आप कहिए, मैं अटल जी के साथ रहा हूँ रोजा अफ्तारी, दिल्ली में कई जगह रहा हूँ रोजा अफ्तारी में, अटल जी के साथ हैदराबाद में, आरएसएस के बड़े नेता में साथ साथ बैठे थे रोजा अफ्तारी में, और हम वाले हैं, और जो सांप्रदायिक भाषण दे के गए, पाकिस्तान कैसे बन सकता है? 85% लोग वोट लेने के लिए आप भाषण दीजिए, वो इनका तो वक्त को बैन कर चुकी है कि नहीं, इनके वक्ताओं जो है, ये मैं आपको रिकॉर्ड ला करके दिखा सकता हूं। तो एक तो मेरा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। हाँ, स्टेट की तरफ से अभी आपने एक जली हुई आपके चैनल पे मैं देख रहा था, तो मंदिर जले में कष्ट होता है, हम इसमें भेदभाव नहीं करते, इंसानियत जलती, लिहाजा हम उन लोगों में से नहीं है। और किसका तुष्टिकरण का मतलब है, जो उनको मिलना हक है।
आप बताइए 15 साल तो बीजेपी के किसी नेता ने कहा यहाँ पे तुष्टिकरण कर रहे हैं, ये 4 दिन पहले से तुष्टिकरण। तो मैं कह रहा, मेरा कहना ये भी है भाटिया जी आपसे भी, अपनी बात कहें, इतने लंबा समय हमारा साथ रहा है, अपना नेता मानते हैं, जैसे हम चरण सिंह को मानते हैं, जैसे लोहिया को मानते हैं, उसी सम्मान के अडवाणी जी, राजनाथ जी और आपको भी अपना मत फैलाइए। 4 दिन हमें अलग हुए हुए हैं कि हम साथ काम करने का इतिहास था उसको, ठीक है, धन्यवाद सुनने के लिए अंजना जी। जी तमाम सवालों के जवाब वो ये कह रहे हैं कि आ रहे हैं पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। देखिए मैं सबसे पहले तो ये त्यागी जी ने कहा मधुर रहिए, मैं उन्हीं से सीख लेते हुए मधुरता बनाए रखूं, वाणी पे संयम हो। मेरा दिल बहुत आहत है जैसे किसी भी बिहारी का होगा। और अंजना जी मैं आपको वजह बताता हूं, कुशासन बाबू बुलाते हैं, आज वो कुशासन बाबू बिहारी रो रहा है, कुशासन बाबू सो रहा है। संविधान की शपथ ली, संविधान ये कह बनाए रखना जो है मुख्यमंत्री का काम है, और मुख्यमंत्री हैं जो गृह का मंत्रालय भी दंगा होता है, हिंदुओं पे इस तरह पत्थर चलाए जाते हैं, तो आप क्या संदेश देते हैं कि कानून व्यवस्था आपसे संभल नहीं रहा। और आप देखिए अंजना जी जंगल राज को और एड्रेस कर रहे हैं, वो चिंता करनी थी जनता की और चिंता कुर्सी की, क्या ये टाइमिंग के बात? एक मुख्यमंत्री को तो सुनिश्चित करना था, वो मरहम लगाना है, वो मरहम वो से आए, पीड़ितों को दुलार मिले, और यहां ये सवाल पूछा जाएगा। दूसरी बात, आप मुझे ये तार पार्टी पे जाना ज्यादा जरूरी था या आप घट, तो आपसे चूक हुई कि दंगा हुआ है, वो पे इस तरह से प्रहार किया गया और उसके बाद आप इफ्तार पार्टी पे इसलिए जाते हैं कि आपको लगता है कि एक विशेष वर्ग मेरा वोट बैंक है, उसको मैं एक संदेश दे दूं कि हिंदुओं के त्योहार पे आप पत्थर चलाओगे लेकिन मैं आपके पास आके बैठूंगा, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, जो अमित शाह जी ने कहा, ये पूरा बिहार कह रहा है और देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जब होता है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं, तब जो दंगाई होते हैं उनको उल्टा टांग दिया जाता है, और हमने ये उत्तर प्रदेश में देखा है, बिहार से ज्यादा मुसलमान हैं लेकिन वहां पे दंगे नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी दंगाई होगा उसका धर्म नहीं देखा जाएगा, उस पर उचित कार्रवाई होगी, न्याय संगत कानूनी, और वहां हमने बुलडोजर की ताकत देखी है, यहां पे हमने जालीदार टोपी की ताकत देख रहे हैं। तीसरी बात, प्रधानमंत्री बनने का सपना क्या एक गरीब नहीं देख सकता? ये बात त्यागी जी ने बोली। अरे अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात भी तो करिए। प्रधानमंत्री जी ने सिखाया है ना, मुख्यमंत्री का पहला कर्तव्य तो ये है कि अगर उसका प्रदेश जल रहा है तो आधुनिक युग का नीरो नहीं बने, वो पहले सुनिश्चित करे कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाए और वहां पे हिंदू भी अपनी अस्मिता के लिए चल सके बराबर से अपने मुसलमान भाई के साथ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये लोग मुसलमानों को वोट बैंक मानते हैं और हिंदुओं को द्वैम श्रेणी का नागरिक बना के ये लोग राजनीति करते हैं, और इसीलिए उसके परिणाम हम सब देख पा रहे हैं। और अंत करूंगा एक ही बात कह के, बिहार को इन्होंने ब्रेड समझा है और जैम लगा रहे हैं, ब्रेड पे जैम लगता है, और जैम क्या है? नीतीश कुमार का फॉर्मूला, जे से जंगल राज, ए से अराजकता और एम से मुसलमान, और इनको ये लगता है जंगल राज, अराजकता
और मुसलमानों का तुष्टिकरण करके इनको गद्दी मिलेगी। लेकिन ये हमारा विश्वास है, जो नागरिक है चाहे बिहार का हो या भारत का हो, वो देख रहा है पीएम की कुर्सी तो छोड़ो, सीएम की कुर्सी भी जाने वाली है, ये नेस्ते नाबूद होने वाले। मृत्युंजय तिवारी जी, जवाब दीजिए, संघी साजिश से कह रहे थे तेजस्वी यादव, लेकिन कोई भी साजिश रच सकता है? 3-4 दिनों तक बिहार में आग लगा सकता है? अगर आप लोगों को समझ में ही आ रहा है कि कौन साजिश रच रहा है, तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? देखिए अंजना जी, खूब समझ में आ रहा है, ये जितने भाजपाई दंगाई को संरक्षण देने वाले हैं सब धाराशाही होंगे। 9 अगस्त 2022 को जब से बिहार से सत्ता से बाहर कर दिया, तब से ये घबराहट बौखलाहट इनकी बता रही है बेचैनी। अब कोई मुद्दा नहीं बचा, किसी पर चर्चा नहीं कर सकते, डबल इंजन सरकार में थे, क्या क्या किया इस पर नहीं बात कर सकते, आईडी आईटी ईडी सीबीआई सब भेज दिया, अब लगे हिंदू मुस्लिम कर लड़ाई करने में। ये बिहार में शांति व्यवस्था है, इस शांति व्यवस्था सद्भावना को अगर कोई खराब करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, साजिशकर्ता का भी पर्दाफाश होगा। अंजना जी, ये जो दंगाई है भाजपाई, इनका पोल खुलेगा, सब चीजों की जांच हो रही है, एक एक चीजों पर नजर है, दंगा हुआ नहीं, दंगा कराने का प्रयास किया जा रहा था। त्वरित कार्रवाई करते हुए शासन प्रशासन का इकबाल देखिए, त्वरित कार्रवाई करते हुए इसे रोका गया, स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन भाजपा वाले देखिए, आप इतना समय दे दिए, हल्ला बोल गौरव जी, गौरव जी, गौरव जी, गौरव जी, गौरव जी, रुकिए प्लीज, गौरव जी, ये पूरा हल्ला किया है, हल्ला मचाया है, दंगा हुआ नहीं गौरव जी, लेकिन भाजपा हल्ला मचा रही है, ये चोर मचाया चोर, ये सारा पोल खुलेगा, तमिलनाडु वाले घटना पर भी पोल इनका खुला, बेगूसराय वाले घटना में भी पोल खुला। गौरव जी, मृत्युंजय जी, आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है होंगे, बिहार में कानून का राज है, देखिए गुजरात में, देखिए महाराष्ट्र में, देखिए उत्तर प्रदेश में, ये क्या प्रवचन करेंगे बिहार पर? अरे आप लोगों का भी प्यार तो बिहार पर दिख ही रहा है, बाकी यहां तो नाखून भी कटेगा बिहार में तो चर्चा होगी, और भाजपा शासित राज्यों में कत्ल भी होगा तो आह नहीं भरे जाएंगे, यही अंतर है। किसको क्या हो रहा है भाजपा शासित राज्यों में, यही डिफेंस है। अब आप कह रहे हैं भाजपाइयों को साथ साथ, अब यही डिफेंस है आप लोगों का सर, अब यही डिफेंस है, ये कांजना जी, अब आप लोगों का डिफेंस यही है कि हमारे इस विषय में चर्चा मत करो, हम पर कर रहे हो तो उन पर कितने घंटे किया, उन पर कितने घंटे किया, ये ठीक नहीं है मृत्युंजय जी, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई की गई, ठीक है, गिरफ्तार किए गए, लेकिन साजिश किसकी है इसका भी भंडाफोड़ होगा। हरीश पठान जी, साजिश वाले के खिलाफ आपने बोला नहीं और बरस पड़े नीतीश बाबू पर और तेजस्वी यादव पर जी। देखिए अंजना जी, राज्य सरकार की जवाबदारी बनती है कायदा कानून के व्यवस्था को मेंटेन करने का। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पूरी तरह से फेल हो चुके हैं बिहार के अंदर कायदे कानून का पालन करने, वायलेंस को रोकने के अंदर। जब नीतीश कुमार को पता है कि नालंदा एक सेंसिटिव एरिया है जहां 2016 में भी इस तरह की घटना हो चुकी थी, तो उन्हें जब इजाजत दिया था जुलूस निकालने की, तो वहां पर कड़क इससे उन्होंने पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं खड़ा किया, जिसकी वजह से यह हुआ कि हमारा वहां पर कदीमी मदरसा अजीजिया को पूरी तरह से जलाकर रख कर दिया गया है। 4,500 के करीब किताबें कुरान शरीफ पे जला हुआ पाया, क्या कर रहा था पुलिस प्रशासन, कुछ नहीं। नीतीश कुमार कहां थे, कहीं नहीं। नीतीश कुमार को जाना चाहिए था वहां पर जहां मदरसा जला, जाना चाहिए था वहां पर जहां मुसलमानों की दुकानों को जला दिया, मुसलमानों के घरों को जला दिया, तो उसकी जगह नीतीश कुमार जा रहे इफ्तारी खाने के लिए, मुसलमानों को टोपी पहनाने के लिए जा रहे हैं। आपको सोचना चाहिए, कंपेंसेशन देना चाहिए उन लोगों को जिनके घर जल गए, जिनकी दुकानें जल गई। जरा सी हिचक नहीं होती, आप सिर्फ एक पठान साहब सांस लीजिए, आपको जरा सी हिचक नहीं होती सब, जब आप सिर्फ एक धर्म से जुड़े लोगों की बात करते हैं, आपको दंगा में भी जो विक्टिम है उसमें जाति धर्म यही सब दिखाई देता है, क्यों से बात कर रहे हैं? तो किसी ने भी खंडन भी नहीं किया, नहीं मैं तो बोल रहा हूँ प्रोवोकेशन जो करे उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो प्रोवोक हुआ या पत्थरबाजी किया उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, मगर होता क्यों है बताइए ना। आप अगर इजाजत देते हो तो उस पर पहुंच क्यों नहीं रखते हो, ये जुलूस की जिस जगह से इजाजत देती है वहां से नहीं जाते, ये वहां का उल्लंघन करते हैं दूसरी जगह से लेकर जाते हैं। देखिये मैं किसी के बीच में नहीं बोला था,
वहां पर लेके जाते हैं, मस्जिद दिखती है, मस्जिद के पास खड़े होकर जोर जोर से डीजे बजाते हैं, जय सर के नारे लगाए जाते हैं, झंडा भगवा लेकर जाते हैं मस्जिद के ऊपर, मीनारे के ऊपर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप प्रवोक करोगे, तलवार लेकर जाओगे, बंदूकें लेकर जा रहे हैं जुलूस में, कहीं अलाउड है? ठीक है, तो नीतीश कुमार को चेक करना चाहिए। रविशंकर प्रसाद इस पर कुछ बोल रहे हैं, जल्दी से सुना देते हैं, फिर के सी त्यागी जी आपके पास आ रही हूँ। डीजीपी इन्फॉर्मर, एक सेकंड, डीजीपी इन्फॉर्मर आर के मिश्रा वो ये कह रहे हैं कि प्रशासन से चूक हुई है, वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा तादाद में पुलिस वालों को पहले दिन से ही उतार देना चाहिए था। और सर त्यागी जी, पता नहीं आप बिहार में कितना टाइम बिताते हैं, नहीं बिताते हैं, लेकिन हम लोग तो जानते हैं, नालंदा का इलाका हो, सासाराम हो, इधर झारखंड में रांची हो, कई जगहों पर ये सब खास तौर पर रामनवमी के इर्द गिर्द इस तरह की स्थिति वहां बनती है तनाव की, फिर क्यों पूरी तैनाती नहीं की गई? लेकिन एक बार जल्दी से सुना देते हैं रविशंकर प्रसाद जी क्या कह रहे हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा त्यागी जी। बाबू, तो लगता है कि आपसे चीजें संभल नहीं रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, वोट बैंक की पराकाष्ठा है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। ऐसा है, उनकी पुलिस क्या कर रही थी? अब तो आखिर उन्होंने दिखा दिया कि नालंदा में तो उनकी पुलिस ने उतनी सख्त कार्रवाई नहीं की जितना लास्ट ईयर किया था, तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, इस बार क्यों गड़बड़ी हो रही है? ये बड़े धन्यवाद, धन्यवाद। केसी त्यागी जी जवाब दीजिए, पुलिस और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, हर बार ऐसा होता है, फिर ऐसे में क्यों नहीं पूरी तादाद में उनकी तैनाती की गई, वो क्यों 3 दिन तक देखते रह गए? अंजना जी, मैं लगभग 48 सालों से राजनीतिक जीवन में हूं, उत्तर प्रदेश से लेकर के देश का कोई हिस्सा होगा, इंक्लूडिंग बारिश पठान जी का औरंगाबाद भी, जहां मुझे दंगों में जाने का मौका ना मिला हो, और जो भाषा गिरिराज सिंह जी बोल गए हैं और जो वारिस पठान जी बोल गए, एक तो उसमें यह तय हो जाए कि नीतीश कुमार जी हिंदू समर्थक हैं कि मुसलमान समर्थक हैं, या दोनों के विरोधी एक साथ कैसे हो सकते हैं। वारिस पठान जी की शिकायत है कि मस्जिद जल रही थी और उसका गौर नहीं किया गया। मेरे मित्र भाटिया जी और उससे पहले गिरिराज जी कह रहे हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा, बांग्लादेश नहीं बनने दिया जाएगा। तो आप विद्वान एंकर हैं अंजना जी, कुछ अपने विवेक से भी सोचिए कि ये क्या भाषा है। गिरिराज जी जो भाषण दे गए, वारिस पठान जी जो भाषण दे गए, उनके बीच में कोई तारतम्य है क्या? वारिस पठान जी ने, क्या गिरिराज जी ने एक बार भी कहा केसी त्यागी जी मुझे लगता है आपने पहले जवाब में भी आपकी पूरी की पूरी टिप्पणी गिरिराज सिंह पर रही और फिर ओवैसी साहब पर, आप मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं देते। पिछली बार मैंने पूछा कि क्यों नहीं गए नीतीश बाबू, अब मैं पूछ रही हूँ पुलिस की तैनाती में क्यों कमी थी, मैं तो ये सवाल पूछ रही हूँ कि ऐसी स्थिति क्यों बनी, उस पर आप जवाब ही नहीं देना चाहते। सबको विवेक और विवेक से काम लेने को समझा रहे पर आप प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे। मैं माफी के साथ, मुझे इस तरह से पूछना पड़ रहा है आपसे, लेकिन सवाल का जवाब तो चाहिए ना सर। पुलिस और प्रशासन की भूमिका में अगर कमी थी त्यागी जी, तो उस पर भी तो जवाब दीजिएगा कि खाली ऐसे लिखिएगा गिरिराज सिंह पर। हाँ, गिरिराज सिंह जी पर ऐसे नहीं, किताब लिखने की आवश्यकता है, चूंकि उनकी पार्टी के नेताओं ने जब हम एनडीए में साथ थे उनके इन बयानों पर रोक लगाई है, और यही बयान है जिनकी वजह से सासाराम होता है, यही बयान है जिनकी वजह से बिहार शरीफ होता है। और मैं आधी मिनट आपसे अंजना जी माफी के साथ लेना चाहता हूं, सरदार भगत सिंह की 4 दिन पहले जयंती मनाई है, सरदार भगत सिंह ने भी ऐसे हालात पे एक लाइन लिखी है, वो मैं पढ़ के सुना दूं। अब तो एक पंथ का एक पंथ का होना ही दूसरे पंथ का कट्टर शत्रु होना है। यदि इस बात का यकीन न हो तो लाहौर के ताजा दंगे हों, देख लें। यह मारकाट इसलिए नहीं की गई कि फला आदमी दोषी है, वरन इसलिए की गई कि फला हिंदू है, सिख है, मुसलमान है। ठीक है, जो गौरव जी एक लाइन का जवाब, गौरव जी एक लाइन का जवाब, वक्त खत्म हो चुका है। त्यागी जी टोकना पड़ रहा है। पहली बात तो मैं त्यागी जी से कहूंगा, त्यागी जी आप देख लीजिएगा, मैंने तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया, और गिरिराज जी ने जो कहा वो इसलिए कहा क्योंकि हम जानते हैं नीतीश कुमार हूँ या और उनके घटक दल हो, वो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। लेकिन इफ्तार पार्टी इस वक्त करना, जब जनता को मुख्यमंत्री की जरूरत है, कानून व्यवस्था संभल नहीं रही, बिहारी रो रहा है, कुशासन बाबू सो रहा है, तो सवाल जरूर पूछे जाएंगे। सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, आप देखते रहिए।